गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग तीन से सॉरी हमने अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग तीन के 14 चैप्टर का अध्ययन कर लिया है और आज हम अपनी जो 15 का चैप्टर है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूरदास के पद और जिसके लेखक भी सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने इस जो प्रसंग है इसमें सूरदास जी ने इस काव्यांश में हमें जो श्री कृष्ण की जो बाल लीलाओं हैं और उनकी बालपन में उनकी जो मनोहारी जिज्ञासा है और उनका जो स्वभाव है उसका वर्णन किया है, जिसमें वह अपनी माता यशोदा को उलाहना देते या शिकायत करते हुए कहते हैं, क्योंकि उनकी माता है यशोदा मैया, वो उन्हें बचपन से ये कहती है कि तुम जल्दी जल्दी दूध पी लो, तो दूध पीने से तुम्हारी चोटी है वो लंबी और मोटी हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण है वो दूध पीने के लिए तंग करते थे, तो माता यशोदा है उन्हें उनको रिझाने के लिए और उन्हें उन्हें उनकी रोटी का सॉरी उन्हें उनकी चोटी का उन्हें हवाला देती थी कि तुम जल्दी जल्दी दूध पियोगे तो तुम्हारी जो चोटी है वो बड़ी हो जाएगी। तो हम इसको पढ़ते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लंबी लांबी मोटी, काडक गुहत नहावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरंजीवो दो भैया, हरि हल्दर की चोटी। मैया यानी माँ या माँ या माता और कब ही यानी कब लिख लीजिए शब्दार्थ, मैया यानी माँ को कहते हो, मम्मी को कहते हो, माता को, और कब ही यानी कब, और चोटी यानी जो आप चोटी बांधते हो चुटिया बांधते हैं उसे कहते हैं, कितनी बार यानी कितनी बार अर्थात अनेक बार, पियत यानी पीते हुए, अजहू यानी आज ही, अजहू यानी आज भी, बल यानी बलराम जी के लिए आया है, बलराम जी के लिए, उनके भाई थे ना बलराम श्री कृष्ण के, तो उनके लिए आया है बल यानी बलराम, बेनी यानी बेनी कहते हैं चोटी को, और ज्यों यानी जैसे, और है यानी हो जाएगी, जैसे हो जाएगी, और लंबी यानी लंबी, और काढ़त यानी कंधी करते हुए, कंगा करते हुए या कंधी करते हुए, गुहत यानी गूंथते हुए, नहावत यानी नहाते हुए नहलाते हुए या धोते हुए, भूई यानी भूमि या धरती, लोटी यानी लोटना, और काचो यानी कच्चा, और पियावत है यानी पिलाती है, पची पची यानी रोज रोज, पच्ची पच्ची यानी रोज रोज, और देती है यानी देती है। जो जो प्रस्तुत पद में बाल कृष्ण की जो बाल मनोहारी जिज्ञासाओं का और स्वभाव का वर्णन है कि इसमें जिसमें वह अपनी माता यशोदा को उल्हाना देते हुए या शिकायत करते हुए कह रहे हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि जब बालक श्री कृष्ण होते हैं ना तो माता यशोदा को दूध पीने के लिए तंग किया करते थे, तब उन्होंने उनको भुलाने के लिए कहा कि जब तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी ये चोटी है वो जल्दी ही बड़ी हो जाएगी, लेकिन जब चोटी है वो बड़ी नहीं होती है, तब श्री कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि हे मैया मेरी चोटी है वो कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पीवत भई यह अजहूँ यह चोटी, कि मैं कब से दूध पी रहा हूँ लेकिन आज भी यह अजहू चोटी, लेकिन यह आज भी
छोटी की छोटी है कि आपने तो कहा था मुझे बचपन से ये कहते आ रहे हो कि आप जब दूध पियोगे तो आपकी चोटी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन मेरी चोटी तो उतनी की उतनी है बड़ी नहीं। आपने मुझे झूठ दूध कहकर दूध पिलाया है कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, तो ये आज तक तो बड़ी नहीं है, छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी जो है लंबी मोटी, तुमने तो कहा था कि यह यानी जो कृष्ण दाऊ कृष्ण की जो चोटी है वो बलदाऊ जी की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, लंबी मोटी काढ़त गुहत नहावत जैसे नागन सी भूई लोटी। और बार बार मुझे नहलाते हुए काढ़त गुहत नहावत, लेकिन आप बार बार मुझे नहलाते हुए और कंधी करते हुए और गूथत यानी गूथते हुए ऐसे कह रहे थे जय नागिन भी मोटी कि गुथ हुए यह नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी। जिस तरह कोई नाग या नागिन होता है वह जमीन पर लौटता है, वैसे ही आपने मुझे मुझे आप ये कहते रहे हो कि आप दूध पियोगे तो दूध पीने से आपकी जो चोटी है वो बलदाऊ भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी और ये नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी। काचो दूध पियावत पच पच देत नवाखन रोटी। और आप क्या करते हो, वो फिर शिकायत करते हैं कि आपने तो मुझे ऐसे कहा था कि जमीन पर लौटेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी वो शिकायत करते हुए उलाहना देते हुए माता यशोदा से कहते हैं कि आप काचो दूध पियावत पच पच देत नमाखन रोटी, कि आप हमें मुझे हमेशा कच्चा दूध पिलाती रही है और कभी भी खाने के लिए मक्खन और रोटी नहीं देती है, क्योंकि मक्खन रोट मक्का आप सभी जानते हो कि मक्खन श्री कृष्ण को कितना पसंद है। वो तो मक्खन है घर 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 पर चोरी करते थे ना, खुद के घर पे भी खा लेते थे और दूसरों के घर पे भी चोरी करके खा लिया करते, बड़े नटखट शैतान थे। मक्खन किसी का भी हो वो छोड़ते ही नहीं थे, जहाँ मक्खन दिखा और वो खा लेते थे। तो अब वो कह रहे हैं कि आप मुझे हमेशा कच्चा दूध ही पिलाती रहती हो, मुझे मक्खन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। सूर चिरंजीवी दोऊ भैया हरि हलधर की जोटी। कविराज सूरदास कहते हैं कि बालकृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुन करके माता यशोदा उनको और बलदाऊ की जोड़ी को, यानी श्री कृष्ण और बलदाऊ क्या थे, भाई थे, तो उनकी जोड़ी है वो सदा चिरंजीव हो दीर्घायु हो, ऐसा आशीर्वाद है वो माता यशोदा उनको प्रदान करती है। अब ये समझ में आ गए ना ये किस पर आधारित है, पूरा श्री कृष्ण पर, कि जब श्री कृष्ण छोटे होते हैं तब उनकी माता उन्हें भुलाने के लिए, छोटे बच्चे को यही तो करती है माता होती है जो, कि आप जल्दी से दूध पियोगे तो आपकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी और बलदाऊ भैया की तरह जमीन पर लौटेगी। जब वह चोटी बड़ी नहीं होती है तो वह श्री कृष्ण है बालमन है उनका, तो अपनी माता यशोदा को उलाहना फिर देते हैं कि आपने तो कहा था कि मैं दूध पीऊँगा जब मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी तो वैसी की वैसी है। आप तो मुझे हमेशा ही ऐसे कहती रही है कि है ना दूध पियो और चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये हुई नहीं है, मेरी तो उतनी की उतनी है और आप मुझे हमेशा कच्चा दूध पिलाती रहती है, कभी माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। तो बालकृष्ण के मुख से जब ऐसी बातें सुनती है यशोदा मैया तो मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है और अपने पुत्र श्री कृष्ण को और बलदाऊ को की जोड़ी हमेशा दीर्घायु चिरंजीव होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। फिर है तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली की वार पठी मंदिर में दूध दही सब साखिन सखायो, उखल चढ़ी सी के लीनो अनभावत भूई में धरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की यह थोड़ा कोनी ढंग लायो, सूर श्याम को हटी ते राखी ते पूत अनोखो जायो। इसमें वो जो श्री कृष्ण है को के लिए जो गोपियां हैं वो उनको जो देती है उल्लाहना देती है उसके बारे में वर्णन हुआ है कि पहले इसके शब्दार्थ देख लिए, कठिन शब्दार्थ तेरे यानी तेरे तेरे लिखो इसमें, तेरे यानी तेरे लाल यानी बेटा, लाल किसके लिए आए, बेटे के लिए, मेरो यानी मेरा, और खायो यानी खा गया, दोपहर यानी दोपहर,
दिवस यानी दिन, जानी यानी जानकर, और सुनो यानी सुनसान, और ढूंढी ढिंडोरी यानी खोज खोज कर, ढूंढी ढिंडोरी यानी खोज खोज कर, आप ही यानी अपने आप, और खोली यानी खोल कर, किवारी यानी किवाड़, और पेठी यानी घुस आया, फिर मंदिर यानी घर या घर, ये इस पद के अनुसार मंदिर घर को कहा गया है, सखीन सखीनी यानी सखाओं को, और उखल यानी ओखली, उखल यानी ओखली, चढ़ी यानी चढ़कर, और छीके यानी छीके, जो छीका होता है उसके लिए कहा गया है, छीका वो होता है जिसमें हम कोई भी दूध या दही होता है उसको टांग देते हैं, उसे कहते हैं छीका। लीनहो यानी ले लिया, लीनहो यानी ले लिया, अनभावत जो अच्छा नहीं लगा, और भूई यानी भूमि, और मैं यानी पर, धरकायो यानी फैला दिया या बिखरा दिया, होती यानी होती, और गोरस यानी दूध, गोरस यानी दूध दही, और छोटा यानी बेटा, और ढंग यानी तरीका, ढंग यानी तरीका, हटकी यानी मना करके या संभाल कर, नय यानी नहीं, और ते यानी तू, पूत यानी पुत्र, और अनोखो यानी निराला जो सबसे अलग, जायो यानी पैदा किया, पैदा किया है। तो इसके जो इस पद के जो हमारे रचयिता सूरदास जी हैं वो है जो खुद एक भक्त शिरोमणि हैं, शिरोमणि सूरदास जी इस पद में बता रहे हैं कि प्रस्तुत पद में एक गोपी है, वो माता यशोदा से बाल कृष्ण की शिकायत कर रही है, और कृष्ण जैसा अनोखा पुत्र पैदा करने के लिए उलाहना दे रही है कि एक जो सखी है वह या गोपी है वो माता यशोदा से शिकायत कर रही है, किसकी, श्री कृष्ण की, और कृष्ण जैसा अनोखा पुत्र पैदा करने की उल्लाहना दे रही है यानी शिकायत कर रही है। वो कह रही है ए तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढारे आप ही आयो। कि एक गोपी है वो माता यशोदा से शिकायत करती हुई कहती है कि हे यशोदा माँ, आपका पुत्र मेरा माखन खा गया, मेरा माखन खा गया, कि देरो लाल मेरो माखन खायो, कि हे माता यशोदा, ये या कृष्ण की माँ, आपका जो पुत्र है वो मेरा माखन खा गया। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढिंडोरी आप ही खायो। दोपहर में खाली सुनसान घर जानकर घर में घुस आया, यानी दोपहर को ऐसे देखा कि सब सो रहे हैं और सुनसान है, ऐसा उसने देखा अपने के बाल सखा के सामने और हमारे घर में घुस आया। जान ढूंढ ढिंडोरी आप ही खायो, और फिर किवाड़ खोलकर घर में आया, और दूध दही जो भी उसको दिखाना ढूंढ लिया उसने, और खुद भी खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। ढूंढी ढूंढा रहा आप ही खायो, कि जो उसने मक्खन और दूध दही जितना हमारे घर में पड़ा हुआ था वो सारा ढूंढ लिया और खुद खा लिया, और अपने साथियों को जो संगी साथी आए थे उनको खिला दिया। खोले की वारी पेठी मंदिर में दूध दही सब सखी ने खायो, और उन्होंने क्या किया था कि वह कह रही है कि मैंने कुछ जो दूध दही है वो छीके पे छुपा कर रख दिया था, तो उन्होंने क्या किया, खोले किवारी पेठी मंदिर में दूध दही सब सखी ने भायो, कि उन्होंने उसने जो मैंने रखा था छुपा कर के दूध दही, वह उसने क्या किया कि उसने ओखले पर चढ़ कर के वहाँ से भी जो दूध दही है वो सब ले लिया, और आप अपने सब संगे साथियों के साथ में उसने वो खा लिया। यानी मैंने कुछ छुपा के रखा था कि ये तो कृष्ण की नज़र में नहीं आएगा, तो मैंने कुछ दूध दही है वो छुपा कर रख दिया था, इसने अपने संगे साथियों के साथ उसका भी पता कर लिया, और उसने उस पर चढ़कर ओखली पर चढ़कर अपने जो साथियों को भी खिला दिया और खुद खा गया। उखल चढ़ी सीख के लीनो अनभावत भूई में ढरकायो, कि ये किस पे चढ़ा, उखल पर चढ़ा और सिक्के तक पहुंच गया, जो छीका लगा हुआ था उसके पास पहुंच गया,
और अनभावाद भूई में ढकायो, जो अच्छा लगा था वो तो उसने खा लिया और बाकी का उसने भूमि पर बिखेर दिया। यानी उनकी उनको जो खाना था वो तो खा लिया और जो अच्छा नहीं लगा वो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दे, उसको भी भूमि पर बिखेर दिया। बिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम के हटिक न राखे, पे ही पूत अनोखो जायो। और वो कहती है कि उसकी ऐसे ये जो श्री कृष्ण है वो रोज़ रोज़ ऐसी हरकतें करते हैं, तो ऐसी हरकतें करने से कि प्रतिदिन हमारे जो गोरस यानी हमारे दूध दही और माखन का नुकसान होता है। यानी ये तो रोज़ ऐसी हरकत करता है, भाई एक बार बच्चा कर ले तो उसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन इनके तो श्री कृष्ण का तो रोज़ का ही काम हो गया कि जब हम सोते हैं दोपहर में तो ये चुपचाप अपने संगी साथियों के साथ वहाँ पर हमारे घर में घुस आता है और वहाँ से हम जो छुपाकर दूध दही रखते हैं उसको भी छीके उस पर मूसल पे उस पर चढ़ जाता है ओखली पे, और उस पर चढ़कर हमारा जो दूध दही है वो खा लेता है, और खाता है तो वो खाता है और बाकी का बिखेर देता है। अब रोज़ रोज़ का ऐसे हम ये तंग आ गई है। तो वो कहती है यह ठोडे कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटी न राखो, ते पूत अनोखो जायो, कि ऐसा हे यशोदा मैया तो ऐसा बेटा है वो कहाँ से लाई है। वो इसको ला ना देते हैं कि तू ऐसा बेटा कहाँ से लाई है जो रोज़ ये नुकसान का काम करता है। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी माता को यशोदा को उल्हाना देते हुए कहती है कि तुमने ही इस अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, तुम ऐसे क्यों नहीं समझती हो कि तुम्हारा पुत्र है वो अनोखा थोड़ी है, क्योंकि कि वह ऐसे हमारे दही और माखन की है वो चोरी न किया करे। तुम इस अनोखे पुत्र को तुम्हारा पुत्र कोई अनोखा थोड़ी है, तुम इस अपने पुत्र को समझाया करो कि इस तरीके से वह हमारे माखन की चोरी न करे। और सूर्य श्याम को हटी न राखो, ते ही पूत अनोखो जायो, कि उसके बालकृष्ण के ऐसे व्यवहार को देखकर लगता है कि तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, कि तुम्हारे जो श्री कृष्ण है तुम्हारा जो लाडला कृष्ण है वो ऐसी हरकत करता है रोज़ कि ऐसा लगता है कि तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तो इस प्रकार वो श्री गोपी है माता यशोदा को कृष्ण जैसे शरारती पुत्र को जन्म देने के लिए उलाहना देती है कि तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही क्या है, शरारती है। आपने भी श्री कृष्ण का धारावाहिक देखा होगा ना, उसमें देखो श्री कृष्ण कैसे गोपियां पानी लेने जाती थी, उनके मटके को फोड़ देते थे, किस तरीके से उनके कपड़े छुपा लेते थे, और किस तरीके से जाती हुई पानी ला रही है या मक्खन ले रही है तो उसके पेड़ के ऊपर बैठ जाते थे और ऊपर का ऊपर मक्खन लेके वहाँ से खा लेते थे, ऐसे पेड़ के ऊपर बैठते थे। तो श्री कृष्ण जब छोटे थे तो बहुत ही नटखट थे, शैतान थे, वैसे शैतानी थे उनके पास, वो तो खुद भगवान थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पृथ्वी पर आकर एक उसके बालक के रूप में जन्म लिया था, तो उनको उनके पास कोई दूध दही की कमी थी क्या? वो तो खुद भगवान थे, लेकिन वो ऐसी लीलाएं करके सब गोपियों को और माता यशोदा को सुख देना चाहते थे और अपने सगे साथियों को, इसलिए वो ऐसा करते थे, जबकि वो तो श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, उनके पास ना तो मक्खन की कमी है, ना दूध की कमी है, ना दही की, ये सारा संसार है उन्हें के द्वारा संचालित है, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया था, इसलिए वो अपनी लीलाओं से सारे संसार को क्या करना चाहते थे, प्रसन्न करना चाहते थे। और वो भी जो गोपियाँ थी ना जिनका वो मक्खन चुराते थे और बिखेर देते थे, वो उनके मन से नाराज़ नहीं होती थी, नहीं तो एक दिन एक कोई बालक कर ले तो दूसरे दिन वो घर को बंद करके सोती है ना, लेकिन वो वास्तव में हृदय से ऐसा चाहती थी कि श्री कृष्ण हमारे घर आए। उनका मन भी ऐसा था कि वो उनको भी श्री कृष्ण को देखे बगैर नींद नहीं आती थी, श्री कृष्ण को देखे बगैर उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो वो खुद चाहती थी लेकिन दिखावे के लिए माता यशोदा के पास उलाहना लेके चली जाती थी, जबकि वो क्या चाहती थी कि वो ये मन से ये चाहती थी कि श्री कृष्ण हमारे आए घर पे और ऐसी शरारते करें। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण से अधिक लगाव करती थी। आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण से जब उनका बचपन था तो घर के क्या सभी गांव के सभी लोग श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही ऐसी अनोखे अनोखे
घटनाओं को अंजाम दिया कि जिसे देखकर सभी लोग दंग हो गए और एक ईश्वर के रूप में उनकी उपासना कर ले लगे। जो सच्चे मन से जिसने श्री कृष्ण को याद किया उन्होंने वैसे ही उनके साथ वैसे ही उतरे। आप भी जानते हो कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र जो बचपन का मित्र था सुदामा उसके साथ कितनी मित्रता निभाई थी। ये हमने अपने चैप्टर भी आ गया ना कि सुदामा से मिलने जाता है श्री कृष्ण से तो श्री कृष्ण उन्हें कितना धन हाथ में नहीं देते हैं, उससे पहले घर पहुंचने से पहले ही वहाँ पर कितना खड़ा कर देते हैं, भवन गाय घोड़े और जो ये महावत ये हाथी घोड़ों पर रहने वाले जो सैनिक है वहाँ जाकर वो दंग रह जाते हैं कि मैं वापस मथुरा तो नहीं आ गया। तो श्री कृष्ण है वो अपने मित्र गरीब मित्र सुदामा के साथ अपनी मित्रता का निर्वाह करते हैं और उनकी सारी दरिद्रता है वो दूर कर देते हैं। ऐसे ही उनके जो गुरु रहते हैं उनका नाम होता है संदीपनी, उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में उनके जो पुत्र था उनसे उनको मिलाया था। तो श्री कृष्ण ने अपने बचपन में अनेक बाल लीलाएँ की थी, उन्हें देखकर जो वहाँ के ब्रजवासी लोग हैं मथुरा के लोग हैं और सब प्रसन्न होते थे, उनसे सभी प्रेम करते थे। तो हमने अब ये चैप्टर है वो पढ़ लिया है। कोई किसी के बात कोई समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। अंकित समझ में आ गया क्या बेटा? यस मैम। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।